रहन तुम डरो नहीं। तो मैं मुझसे समझे तुम, मैं यहाँ हूँ इसका शौहर, समझे? प्लीज बस करो। बोलो। ये कि मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगा और ये बात कि ये घर तुम्हारा, ये कोई भी नहीं जान पाएगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, इसीलिए तो तुम्हें अंदर धकेल के दरवाजा बंद किया था, वरना तुम्हें कोई देख लेता। तुम्हें पता यारेन घर के बाहर ही खड़ी थी। अब तुम्हें बात समझ में आई? ये सिर्फ मेरा और रियान का राज नहीं है, तुम्हारा और रियान का राज है। इत्तफाकन मैं भी यहां पर मौजूद था, इसलिए मैंने कोशिश की कि यारेन सच ना जान पाए। इत्तफाकन? हाँ इत्तफाक। तंग आ चुका हूं मैं सब कुछ सुन सुनकर। इत्तफाकन तुम वहां पर मौजूद थे, इत्तफाकन रियान को देख लिया, इत्तफाकन मदद भी कर दी। बहुत हुआ। कल कैफे में जो कुछ हुआ था उसकी माफी मांगने के लिए आया था मैं यहाँ। क्या तुम ये जानते हो कि सारे मिथ्यात को पता चल गया? लेकिन जब रियान को यहाँ देखा तो मैंने सोचा कि इसकी मदद कर दूं। रियान! आजाद भाई आ गए। जाओ तुम, चले जाओ यहाँ से, फौरन चले जाओ। रियान कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। बेवकूफ मत बनो, आजाद भाई ने अगर हमें देख लिया तो इस बार किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मेरा मेरे कहा ना, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। बाबा को या दादा जान को पता चला तो कयामत आ जाएगी, प्लीज जाओ, अल्लाह का वास्ता है। मीरान! आजाद बेटा रुक जाओ। बाबा एक मिनट। मुझे अब तक जवाब नहीं मिला है। तुम जानते हो कि यह हमारा घर है, जबकि यह एक सीक्रेट था, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में पता चल गया। समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनो असलान, तुम जो कोई भी हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम मेरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ चुके हो। तुम इस घर में क्या कर रहे हो ये बात मुझे अभी जाननी है। नसूर जहरा के दरमियान किसी बात पर बहस हो रही थी, रियान ने उनका पीछा किया, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई तो मैं उसको यहाँ लेकर आ गया। तुम उसे कहीं और भी तो लेकर जा सकते थे। मीरान बहुत अजीब सी सूरत हाल थी, रियान उन्हें छुप कर देख रही थी, सबको पता चल जाता। बस इतनी सी बात? हाँ बस इतनी सी। रियान कहाँ हो? रियान, रियान बताओ कहाँ है मीरान? इस वक्त तुम्हारी मदद भी सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तुम आखिर यहाँ कर क्या रही हो? रुको। अब देखते हैं मेरी प्यारी रियान इस बार तुम क्या झूठ बोलती हो। तुम्हारे साथ यहाँ आप सब लोग यहाँ, मैं जानता था कि कुछ ऐसा ही होगा। असलान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़का तुम्हारे साथ यहाँ पूछ रहा है। भाई आप ये क्या कर रहे हैं, रुक जाए। क्या असलान के साथ? आपने खिजर को कत्ल करते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन वो खत मैंने अपनी आंखों से देखा और पढ़ा भी है। आप चले जाएं यहाँ से, आज मैं इससे कोई खत्म कर दूंगी। क्या वो खत तुमने वाकई अपनी आंखों से देखा है? देखा है, और आज वो खत सबको दिखाऊंगी। ठीक है, चाहे मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो ना हो, लेकिन मैं भी सच जानना चाहता हूँ। आसमा को फौरन घर आने का कहो, और जब वो तुमसे मिलने आएगी तो तुम उससे खत का जिक्र करना, तो हकीकत सामने आ जाएगी। समझ आ गया तुम्हें? बुलाओ आसमा को फौरन। ठीक है बाबा, बुलाओ उसे। ठीक है, अभी हकीकत पता चल जाएगी, बुलाती हूँ। हेलो आसमा, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ, तुमसे बात करनी है। असलान बेघर की अगली गली में मिलो, मैं भी वहीं आ रही हूँ तुमसे मिलने। ठीक है, आइए, अभी सारी हकीकत पता चल जाएगी। ठीक है, आराम से। तुम होते कौन भाई? और रेहान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? हर बार हमारे सामने क्यों आ जाते हो? रुकिए, इसी सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए। हर जगह क्या कर रहा होता है ये? मैंने किसी का पीछा नहीं किया, और मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि रियान यहाँ पर क्यों मौजूद है। मैं यहाँ पर चाबियां लेने के लिए आया था। चाबियां? इस घर की चाबियां बेटा रुक जाओ, क्या कर रही है? चलो शाबाश, अब जवाब दो ना। आजाद भाई बात तो सुने। ये घर मेरा है। क्या मतलब हो इस बात का? उस वक्त खरीदा था जब लगा था कि आप लोग मेरा खानदान है, लेकिन अब जबकि हकीकत मालूम हो गई तो अब मैं इसे बेचना चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता चलता तो आप लोग परेशान हो जाते। पहले वो तस्वीरें और फिर उसके बाद आप लोगों के घर के करीब में ये घर। बस चाबियां लेकर जाना ही चाहता था कि अचानक से आप लोग सामने आ गए। और रियान यहां पर क्यों है ये मैं नहीं जानता। हो सकता है ये जानने के लिए आई हो कि मैं यहां पर क्यों हूं। तुम्हें परेशानी हुई इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। एक मिनट, ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से इन दोनों को यहाँ साथ आते हुए देखा था। ये नहीं, जब मैंने इसे छुपकर अंदर जाते हुए देखा तो इसलिए दाखिल हुआ था कि कोई देख ना ले।
मुझे नहीं पता था कि ये मेरा पीछा कर रही है। यारीन साहिबा को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। यारीन तुम दखलंदाजी मत करो। असलान बता तो रहा है तुम्हें यकीनन गलत फहमी हुई है। मेरी जान दूसरों के लिए मसले खड़े नहीं करने चाहिए। मैंने क्या देखा था मुझे मालूम है। बस करो बेटी बस कर जाओ ठीक है। हारून जाओ यारीन को अपने साथ घर ले जाओ। जाओ चलो यारीन चलो आ जाओ यारीन। ये घर तुमने यहाँ इसलिए खरीदा था ना ताकि तुम हम पर नजरें रख सको। माफी चाहता हूँ एक छोटी सी उम्मीद के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता है। प्लीज माफ करना कोशिश करूंगा कि दोबारा सामने ना आऊं। असलान तुमने मेरी जान बचाई। हम सबको इस बात का ख्याल है कि तुम्हारा हम पर एहसान है लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो रेहान और तुम्हारा एक साथ नजर आना बिल्कुल ठीक नहीं। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। देखो बेटा तुम हमें कुछ और बताते हो और कहानी कुछ और होती है। मसले बढ़ते जा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं काश शुरू में ही आपको हकीकत बता दी होती लेकिन बता नहीं सका। अच्छा अच्छा बस ठीक है हमने जो कुछ भी कहना था वो हम कह चुके और तुम्हें जो समझना था वो समझ चुके। हाँ जी समझ गए खजर साहब। चलो सब यहां से चलो बेटी आ जाओ। आजाद मैं आ रहा हूं बाबा। आजाद यार माजरा चाहता हूं तुमसे। हम दूसरों को इज्जत ना दें ऐसे लोग नहीं हैं लेकिन अब वाकई बहुत हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। वैसे यकीन करो मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना प्रोफेशनल झूठा नहीं देखा। सिर्फ दो मिनट में तुमने पूरे शादुलो खानदान को पागल बना के यहां से भेज दिया। क्या बात है तुम्हारी फखर होना चाहिए तुम्हें खुद पर। हद है। चलो अब तो मुझे पूरा सच बताओ।